परसेंट के लगभग पहुंच गई, 18% को पार कर। पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, कर्नाटका में बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली में भी इस तरह से केसेस बढ़ेंगे, मगर अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें चिंता की बात नहीं है, इसमें जो कोविड है इसकी सिवेरिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो महीने में तो क्या बच्चों को लेकर पेरेंट्स के मन में खासकर चिंता है कि जिस तरह कोविड बढ़ रहा है, फिर से कई जैसे मास्क को लेकर हम कई राज्यों से देख रहे हैं, जिन राज्यों के अंदर अभी पिछले एक डेढ़ महीने से कोरोना चल रहा था, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो इस तरीके के कोई मास्क वगैरह के प्रावधान वहाँ नहीं हुए हैं और स्थिति कंट्रोल में रही है। तो अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में हुआ है, या अगर केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार मेन मॉनिटरिंग करती है सिचुएशन की, अगर कोई उनकी तरफ से कोई एडवाइस आएगी तो उसको देखेंगे। आपने कल और बाकी अस्पतालों के साथ भी लगातार एमएस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हम लोग इस चीज़ की तैयारी में हैं कि अगर कोई कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो पर्याप्त इंतज़ाम हो। अभी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी हुई है, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग भी है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बढ़ गई है और आज से जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है, कल शाम से पानी की सप्लाई में कमी आई है कई इलाकों में, समस्या कब तक रहेगी और इसके अस्थायी समाधान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में जो वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में जो तीन हमारे बड़े प्लांट है, जिसमें करीब 250 MGD यानी कि दिल्ली का एक चौथाई पानी वहाँ से जो है फिल्टर किया जाता है, उसमें जो पानी आता है वो यमुना से आता है, ताजेवाला से आता है। अभी हरियाणा के अंदर हमने ये गूगल मैप्स के ज़रिए बताया था कि बड़े पैमाने पे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, जिसमें हरियाणा में रेती माफिया ने पूरे के पूरे यमुना के फ्लो को बंद कर रखा है और यमुना के ऊपर बंड बना के यमुना के पानी रोक दिया है। तो दिल्ली में अभी जो पानी आ रहा है वो पानीपत और सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। अब क्योंकि आपने यमुना का पानी पूरा रोक दिया है, तो अभी जो वजीराबाद पे पानी आ रहा है वो सारा का सारा इंडस्ट्री का वेस्ट है। और अब जो है, आज तक के इतिहास में इतना अमोनिया कभी यमुना में नहीं आया, 8 PPM से ज़्यादा अमोनिया आया हुआ है। इसको तो कोई संयंत्र जो है, कोई अमोनिया का फिल्ट्रेशन भी जो है, इतने अमोनिया को ठीक नहीं कर सकता। ये पानी तो बहुत ख़तरनाक है और ये हेविली पोल्यूटेड पानी है, बेहद प्रदूषित पानी है। तो हम हरियाणा सरकार से निवेदन करेंगे कि आप ये जो आपके यहाँ इलीगल भूमि, इलीगल जो है रेता माफिया चल रहा है, आप इसके ऊपर लगाम लगाइए, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हरियाणा की सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसे उन्होंने जो है यमुना के फ्ले को रोकना जो है अलाउ कर रखा है, क्यों उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ा चिंताजनक है दिल्ली के लिए। हमने हाईकोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है और कोशिश करेंगे कल हम अर्जेंट जो है उसको मेंशन करें, चीफ जस्टिस जो है हरियाणा, हमारे जो हाईकोर्ट के दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं चीफ साहब, उनको हम ये मेंशन करेंगे कि भाई ये मामला बहुत जो है अर्जेंट है और दिल्ली के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यमुना के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की प्राइमरी रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट जो है इसको अर्जेंटली सुन के इसके ऊपर किसी कमेटी को हिदायत दे कि वो कमेटी खुद जाए हरियाणा में और जो रिपोर्ट है उसको हाईकोर्ट के आगे पेश करे ताकि हाईकोर्ट उस पर कार्रवाई करे। कौन कौन से इलाके हैं दिल्ली के खासकर जहाँ पे ये आपका बहुत बड़ा इलाका है, पूरा का पूरा आपका जो सेंट्रल दिल्ली है, पूरा का पूरा जो आपका साउथ दिल्ली का बड़ा एरिया है, ल्यूटन्स दिल्ली है, वो सारा इफेक्टेड है इसकी वजह से। अब तक के ल्यूटन दिल्ली की भी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति भवन सबके 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 हैं, राष्ट्रपति भी वहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, सभी जजेस वहाँ रहते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ रहते हैं। हम तो फिर भी कोशिश ये करते हैं कि सब लोगों का, आम लोगों का पानी काटते हैं, इन लोगों को पानी देते हैं, मगर ये लोग जो वहाँ ल्यूटन दिल्ली में रहते हैं ये भी इस बात को समझें कि ये समस्या का निवारण जो है वो सबको, सबके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा की तरफ से कोई कदम अगर नहीं उठा
अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्या कहा जा सकता है? अगर हरियाणा सरकार जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।